श्री राधे राधे श्री गोपाल मुक्तिधाम चैनल में आपका अभिनंदन करते हुए मैं मथुरा से श्रीनाथ शास्त्री आचार्य दीपावली के इस पावन पर्व पर दिवाली के पूजन के विषय में और इसका क्या कथानक है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आप हमारे इस चैनल से अधिक जुड़ें, सदस्य बने और इसको अच्छी प्रकार से देखें और सुने। तो दिवाली का जो ये पावन पर्व है जिसके विषय में मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है, कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। शास्त्रों में चार प्रकार की रात्रि बताई गई, कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि और दारुण रात्रि। कालरात्रि से तात्पर्य होली से, महारात्रि ये दिवाली है, मोहरात्रि जन्माष्टमी है और दारुण रात्रि शिवरात्रि है। तो महारात्रि का दिवाली का जो ये पावन पर्व है जिसके विषय में सम्मोहन तंत्र के अंतर्गत गोपाल सहस्रनाम में शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, हे गिरजा महानिशायाम सततम वैष्णवो ये पठे सदा देशांतरगता लक्ष्मी समायाति न संशय। दिवाली का ये जो महान पर्व है, इस दिवाली की रात्रि में यदि कोई रात्रि भर बैठ करके श्री गोपाल सहस्रनाम का पाठ करे तो यदि किसी भी प्रकार से लक्ष्मी का रूठना हो गया हो या लक्ष्मी जी घर से चली गई हो तो गोपाल सहस्रनाम का पाठ करने से यदि देशांतरगता लक्ष्मी कहीं और भी निकल गई हो तो इस पाठ के प्रभाव से पुनः हमारे घर में आकर के प्रवेश करती हैं और धन धान्य से हमें पूर्ण करती हैं। दीपावली का पर्व कब से मनाया जा रहा है? सर्वप्रथम हमारे शास्त्रों में ये वर्णन मिलता है कि महाराज पृथु ने इस भूमि को जो एकदम बिल्कुल उबड़ खाबड़ भूमि थी, इस भूमि को उर्वरा बनाते हुए, इसको समतल करते हुए, धन धान्य की इसमें वृद्धि करते हुए स्वयं अपने हाथों इस पृथ्वी को पूजन करके जब महाराज पृथु अपनी राजधानी में पधारते हैं तो प्रजा के नागरिकों ने इस उपलक्ष्य में सर्वप्रथम दीपदान किया था। पुनः मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब रावण का संहार करके अयोध्या पधारते हैं तो अयोध्या वासियों ने प्रभु श्री राम के स्वागत में चारों तरफ हजारों लाखों दीपकों को प्रज्वलित करते हुए भगवान श्री राम की आरती उतार कर संपूर्ण अयोध्या में और परम पावन
सरयू के तीर पर दीप दान किया था, यह भी उल्लेख मिलता है। तीसरा उल्लेख एक और मिलता है कि 12 वर्ष का वनवास पूर्ण करके और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करके पांडव या अपनी राजधानी को हस्तनापुर को लौटते हैं, इंद्रप्रस्थ में आते हैं, तो इंद्रप्रस्थ के निवासियों ने, वर्तमान में इंद्रप्रस्थ का दूसरा नाम दिल्ली है, तो यहाँ के नागरिकों ने पांडवों के स्वागत के लिए श्री यमुना जी के तीर पर संपूर्ण इंद्रप्रस्थ में, हस्तनापुर इत्यादि में दीप दान किया था। चौथा उल्लेख हमें एक और मिलता है कि महाराज विक्रमादित्य ने अनेकानेक राजाओं को, विशेषकर शकों को जीत करके जब अपनी राजधानी अवंतिकापुरी, जिसे वर्तमान में उज्जैन कहते हैं, प्रवेश किया था, तब वहां के नागरिकों ने महाराज विक्रमादित्य का स्वागत दीप दान से, आरती प्रज्वलित करके अच्छी प्रकार से श्री महाराज विक्रमादित्य का अभिनंदन किया।